नाजरीन आदाब, वीएसएम प्राइम में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। आइए वाशिम से हमारे संवाददाता आसिम सैयद की एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। वाशिम नगर परिषद के रफी अहमद की द्वाई उर्दू प्राथमिक विद्यालय में हो रही शासन परिपत्रक की अनदेखी और बच्चों के शैक्षणिक नुकसान की शिकायत। वाशिम नगर परिषद द्वारा संचालित रफी अहमद की द्वाई उर्दू प्राथमिक विद्यालय में शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण विभाग के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक स्कूल का समय सुबह 9 बजे के बाद होना चाहिए, लेकिन इस विद्यालय में 9 बजे से पहले ही कक्षाएं शुरू हो जाती हैं और फिर 11:30 बजे से नगर परिषद महात्मा गांधी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज को रूम देने के लिए छोटे बच्चों को 3-4 क्लासेस में एक साथ बिठाया जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि 12 से 1 बजे के बीच छोटे बच्चे अपनी क्लास के बाहर खड़े रहने पर मजबूर होते हैं। जब हमारे संवाददाता ने स्कूल के मुख्याध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस समस्या को बार बार नगर परिषद प्रशासन के सामने रखा है और लिखित में भी इसके समाधान की मांग की है। शासन परिपत्रक के अनुसार जहां एक ही बिल्डिंग में हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल होते हैं, वहां प्राथमिक स्कूल की शिफ्ट दोपहर में और हाई स्कूल की शिफ्ट सुबह में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इस नियम की अनदेखी हो रही है। समाज सेवक सैयद आसिम, यूनुस मिर्जा, टिप्पू सुल्तान, अफरोज खान, अब्दुल मलिक और मिर्जा मजहर बेग की ओर से जिलाधिकारी, शिक्षण अधिकारी, नगर परिषद मुख्याधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए निवेदन दिया गया है। समाज सेवकों ने जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्यवाही की मांग की है, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और शासन के आदेशों का सही तरीके से पालन हो सके। आज दिनांक 21/10/2024 रफी अहमद किदवाई प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या टायमिंगबद्दल आणि वेळ तासिकेबद्दल तफावत आहे, त्याकरिता आज आम्ही नगर परिषद कार्यालय, सीओ साहेबाकडे, शिक्षण अधिकारी साहेबाकडे आणि कलेक्टर ऑफिसमध्ये कलेक्टर साहेबाकडे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि रफी अहमद किदवाई इथे क्लासेस चालतात 7 पहिली ते 7वीपर्यंत आणि तिथे शिक्षक आहे फक्त 4। शासनाने त्वरित हे 3 जागा भरण्याची कृपा करावी आणि तासिकाची जे तफावत आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा जी आर आय सोबत जोडलेला आहे, शिक्षण अधिकारीचाही आदेश आहे, त्या आदेश अनुसार आणि शासनाच्या जी आर अनुसार याची अंमलबजावणी करण्याची कृपा करावी, ही विनंती।